हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अप टू डेट सूचना में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक डाउट का समाधान, जो कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कमेंट्स में कि सर, CBT 1 और CBT 2 का जो एडमिट कार्ड हमें मिला था वापस, इस हाफ पोर्शन वापस करके जो हमें दिया था, क्या वो हमें ले जाना होगा DV के दौरान? और अगर वो खो गया है हमारा, हमारे पास नहीं है, तो फिर क्या होगा DV में हमारा? तो इस डाउट का समाधान मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की अपडेट्स, जरूरी अपडेट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। और वीडियो को लाइक करना आप ना भूलें। तो दोस्तों, आ जाते हैं सवाल पे कि CBT 1 और CBT 2 का जो एडमिट कार्ड था, हाफ पोर्शन जो हमें वापस किया गया था एग्जाम के बाद, तो क्या वो हमें लेकर जाना होगा DV में? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। आपको दोनों एग्जाम का, यानी CBT 1 और CBT 2 के एग्जाम का जो एडमिट कार्ड का हाफ पोर्शन आपको दिया गया था, वो आपको वहां पे DV में ले जाना पड़ेगा। वो कंपलसरी है, आपसे वो वहां पे मांगा जाएगा, ठीक है? तो अगर नहीं होगा तो आपको वहां पे डेफिनेटली दिक्कत होने वाली है। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में वो इंक्लूड करना है, ओरिजिनल आपको लेके जाना है, उसकी कोई कॉपी नहीं है, वो वहां पे आपके सबमिट होने वाला है दोनों एग्जाम का एडमिट कार्ड का हाफ पोर्शन, ठीक है? तो ये आपका एक डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि ले जाना है या नहीं ले जाना। तो दोस्तों, बिल्कुल लेके जाना है आपको। वो ढूंढ लीजिए आपने कहाँ रखा है वो अच्छे से, क्योंकि उसकी जरूरत आपको पड़ने वाली है। अब जो दूसरा सवाल हमारा है कि अगर हमारा खो गया है तो क्या करें, नहीं मिल रहा है सर हमें, तो क्या किया जाए? तो दोस्तों, अब इसका देखो क्या होता है। जब मेरा DV हुआ था LP का, तो वहां पे बहुत सारे कैंडिडेट थे ऐसे, क्योंकि वहां तो 3 एग्जाम थे टोटल, ठीक है? क्योंकि वहां पे CBT 1, CBT 2 और उसके बाद साइको का भी एग्जाम हुआ था, तो 3 एग्जाम हुए थे। 3 एडमिट कार्ड हमें वहां पे चाहिए थे। ज्यादातर लोगों के पास थे एडमिट कार्ड, लेकिन जिन लोगों के पास नहीं थे, उन लोगों को वहां पे परेशानी झेलनी पड़ी थी। और परेशानी ये थी कि उनको रिमार्क मिला था वहां पे, क्योंकि अब आप बोलोगे कि रिमार्क क्या होता है? तो रिमार्क दोस्तों, आपकी एप्लीकेशन जब DV में होती है तो वहां पे वो लोगों को कोई भी डाउट होता है आपके डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, या कोई भी परेशानी होती है, या फिर वो डिसीजन नहीं ले पाते कि क्या करना चाहिए, तो आपको रिमार्क दे दिया जाता है। रिमार्क का क्या होता है कि आगे जाके वो रिव्यू किया जाता है, उस पर डिसीजन लिया जाता है कि क्या किया जाए ऐसे कैंडिडेट्स का। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हो जाते हैं जिनके पास एडमिट कार्ड नहीं होता है, तो फिर उनका एक आगे जो चेयरपर्सन होता है, वो भी वहां पे डिसीजन लेते हैं कि ऐसे कैंडिडेट्स का क्या किया जाए, इनको बाहर किया जाए या फिर अंदर किया जाए। बाहर तो नहीं किया जाएगा इस प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि ऐसा इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन फिर भी आपको रिमार्क वहां पे दे दिया जाता है अगर आपके पास जो वो एडमिट कार्ड का हाफ पोर्शन है वो नहीं है। तो दोस्तों, मेरा तो यही सजेशन है आप लोगों के लिए कि अपना जो एडमिट कार्ड है वो ढूंढ ले कहीं से भी। अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर नहीं मिलता है तो आपको उसमें वहां पे दिक्कत झेलनी पड़ेगी, रिमार्क आपकी एप्लीकेशन में वहां पे लग जाएगा, जो कि आपके प्रोसेस को स्लो कर सकता है। आपकी जो फर्स्ट पैनल में हो सकता है आपका नाम ना आए, आपकी पेंडिंग लिस्ट में आपका नाम जा सकता है। तो ये आपको थोड़ी सी वहां पे परेशानी हो सकती है, इनकेस अगर आपके पास एडमिट कार्ड का जो पोर्शन है वो नहीं है। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखें। मैंने डॉक्यूमेंट का वीडियो बनाया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, तो वो वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। मेडिकल का भी मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया, क्या क्या टेस्ट वहां पे होने वाले, सारी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप DV और मेडिकल में जाने से पहले दोनों वीडियो देख के जाएं, और अपने जो एप्लीकेशन है उसमें रिमार्क लगने से बचाएं। सारे डॉक्यूमेंट आप ओके एकदम 100% करेक्ट फॉर्म में लेके जाएं, जिससे आपके रिमार्क नहीं लगे और फर्स्ट पैनल में ही आपका नाम आ जाए। क्योंकि एक बार पेंडिंग में चला जाता है तो आपका फिर प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है, हो सकता है आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी वेट करना पड़ सकता है अपना ज्वाइनिंग के लिए। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो में, इतना ही मैं आपको यहाँ पे जानकारी देना चाहता था। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि इस चैनल पे आपको एकदम फ्रेश अपडेट्स मिलती है और बहुत जरूरी हेल्पफुल अपडेट्स आपको दी जाती है। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।